रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। भोले स्वभाव के कारण वो सबकी बातें सिर्फ सुना करती थी, लेकिन उसके इस भोलेपन को लेकर उसकी माँ सुनीता बेहद चिंता में रहती थी। एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मानती हूँ कि मेरी ये बेटी आपसे मुझे कितनी मन्नतों के बाद मिली है, लेकिन प्रभु आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही भोला बनाकर बेच दिया। आज के इस तेज तर्रार जमाने में मेरी ये भोली बेटी कैसे सबकी चालें समझेगी, क्या करूँ मैं इसका। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो अपनी जानकार से एक अच्छे लड़के की तलाश करने को कहती है। एक दिन उनके घर अनिल नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ के साथ चल कर आता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सुनीता उन्हें शादी में सब कुछ देती है और विदाई के समय सुनीता अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, बिटिया ये तेरा मायका था, लेकिन अब तू अपने ससुराल जा रही है। आज से तेरा नया सफर शुरू होने वाला है, इसलिए अब अपनी सास को ही अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखियो। जा लाडो। बेटी को समझाने के बाद भी सुनीता की चिंता और बढ़ने लगती है और वो उसकी सास रमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, रमा जी, अब अपनी अमानत हम आपको सौंप रहे हैं। सुरभि बेहद भोली और सरल है, तो उससे कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी और मेरा अनिल तो उसे पलकों पर बैठा के रखेगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं। इस तरह वो अपने ससुराल आ जाती है और रमा उसका स्वागत करते हुए बोलती है, सुरभि इस कलश को गिरा और जल्दी से अंदर आ जा, और भी रस्में करनी है। रमा की बात सुनकर सुरभि उसकी तरफ देखने लगती है और रमा बोलती है, अरे देख क्या रही है, पुतला बनकर क्यों खड़ी है, पता नहीं क्या तूने, जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आ। सुरभि जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद रमा बाकी की रस्में करती है और सुरभि अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीत जाती है, जिसके बाद रमा अपने मन ही मन में आग बबूला होकर बोलती है, सत्यानाशु, अंगूठी इसके हाथ में लग गई, अरे मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, ये मेरे बेटे पर कभी राज नहीं करेगी, मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी अगर इसने ये सोची भी तो, मैं तो इसे खिलौना बनाकर रखूंगी, जो मैं कहूंगी ना वही करेगी ये। बहू जा अपने कमरे में और हाँ कल जल्दी उठ जाइयो, समझी ना। रमा के कहने पर सुरभि कमरे में चली जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और सुरभि को नींद आती है। देर से सोने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाती और रमा उसके कमरे में आकर उस पर एक बाल्टी पानी, सूरज सर पर चढ़ाया है लेकिन तू आराम से सो रही है, बेशर्म नासपिटी। माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, रात सोने में देरी हो गई थी, अनिल जी कमरे में भी नहीं आए, कहाँ है वो। अरे नासपिटी तू सोती रह गई, मेरा बेटा सुबह ही दफ्तर चला गया, और क्या कहा तूने, माँ मैं माँ नहीं हूँ तेरी, सास हूँ, समझी ना, आज से मुझे सासू माँ बुलाइयो। जी सासू माँ। सीधी साधी सुरभि रमा की सभी चाल और हकीकत से अनजान थी। वो जल्दी से नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और रमा अपने मन में बोलती है, ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे जो हमेशा मुझसे डर कर रहे, मैं इसे खिलौने की तरह जैसे चाहूंगी वैसे काम कराऊंगी, बस इससे ये बात हमेशा छुपा कर रखनी होगी कि हमने सिर्फ इसे पैसों के लिए बहू बनाया है, भूलकर भी इसे कियारा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सुरभि जल्दी से रमा को नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद रमा उसे ढेरों काम की लिस्ट देते हुए बोलती है, सुरभि मेरे कमरे की बेडशीट, पिलो कवर और हाँ पर्दे भी चेंज कर दियो, और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं उन्हें भी धो दियो, और हाँ पूरे घर के जाले भी उतार दियो, शाम के खाने की तैयारी जरा जल्दी करियो। जी माँ जी, सॉरी सासू माँ। सुरभि जल्दी से रमा के कमरे का सब कुछ चेंज करके बाथरूम में कपड़े धोने लगती है, और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाली होती है कि तभी रमा बीच में टांग अड़ाते हुए कहती है, ओ मेरी आलसी बहू, अरे मशीन में नहीं धोने ये कपड़े। माँ जी तो कैसे धुलेंगे इतने सारे कपड़े, देखिए कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं। तेरी माँ ने कहा था कि तू बड़ी बोली है, लेकिन तो छुरी जितनी तेज जबान चला रही है, कान खोल कर सुन, ये सारे कपड़े तू अपने हाथों से धो, वो भी आधे घंटे में, और एक भी कपड़े में गंदगी रही ना तो मैं तुझे इन कपड़ों से भी बदतर दूंगी, समझी, चल शुरू हो जा। जी ठीक है, समझ गई माँ जी। रमा के डर से सुरभि अपने हाथों से ही कपड़े धोने लगती है और रमा अपने कमरे में आराम फरमाते हुए ड्राई फ्रूट्स खाते हुए टीवी का मजा लेकर बोलती है, सही कहा था इसकी माँ ने, ये बहुत बोली है, तभी तो जो मैं कहती हूँ
झटपट करती है, बिल्कुल खिलौने की तरह मेरे इशारों पर नाच रही है। बस अनिल के अगले प्लान के अंजाम तक इसे ऐसे ही खिलौने की तरह नचाना है मुझे। ऐसे ही वक्त बीतता है और रमा लगातार सुरभि के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती। लेकिन कहते हैं ना, जब हद पार हो जाती है तब गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरभि बोलती है, सासू माँ सारा काम हो गया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है अनिल के बारे में पूछेगी। मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, समझी ना, जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ जी। अरे जा जल्दी। सुरभि किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और खुद से बोलती है, पता नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अनिल जी और माँ जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुरभि चाय पीने लगती है लेकिन सुरभि उसे वहीं खड़ी होकर देखती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, अरे अब खड़ी क्यों है और ये तू मुझे ऐसे घूर रही है। माँ जी मुझे इस घर में बहू बनकर आए एक लंबा वक्त हो गया है, आखिर अनिल जी कहाँ है, क्या वो इस शादी से खुश नहीं है या फिर उनकी जिंदगी में कोई और है जो वो मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हैं। बोलिए माँ जी मैं जानना चाहती हूँ। अरे ये अचानक तेरे खाली दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आ गए, पागल वागल तो नहीं हो गई तू, तेरे खाली दिमाग में कहीं शैतान तो नहीं विराज गया ना, जाकर काम कर, समझी ना। माँ जी बस बहुत हो गया, अब आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना बंद कीजिए, मैं इस घर की बहू हूँ, खिलौना नहीं। मैं बोली थी लेकिन बेवकूफ नहीं, कोई तो बात है जो आप दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। सुरभि के लगातार सवाल पूछने पर रमा को ये एहसास हो गया था कि अब उसे और बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो अकेले में मौका पाकर अपने बेटे अनिल को कॉल करती है और उसे बुलाती है, जिसके बाद रमा अपने बेटे अनिल को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे बोलती है, अनिल मुझे लगता है अब इसे और अपने इशारों पर नचाना ना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है कल ये तेरे बारे में पूछ रही थी लेकिन जैसे तैसे मैंने बात संभाल ली। वैसे तूने कियारा से बात की? सुरभि ये सब बाहर से सुन लेती है और बोलती है, ये कियारा कौन है और ऐसी कौन सी बात है जो सासू माँ और अनिल जी बंद कमरे में बात कर रहे हैं, मुझे यहीं से सब कुछ सुनना होगा। माँ मैंने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा उलझाया था कि अब वो मुझसे जल्दी से शादी करना चाहती है, फिर हम और अमीर हो जाएंगे। वाह मेरे लाल बहुत खूब, लेकिन इसे भी तो अपने रास्ते से हटाना होगा ना, तभी तो। हाँ लेकिन माँ ये कर भी क्या लेगी, इतने महीनों से तो आप इसे खिलौनों की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी, बेवकूफ कहेगी। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी ये सारी चाल और साजिश बाहर खड़ी सुरभि सुन चुकी थी। सच जानकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है लेकिन वो होश खोने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वहाँ से दबे पांव अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी सुरभि बोलती है, रुकिए इंस्पेक्टर, इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा क्योंकि ये दोनों दौलत और शोहरत पाने की होड़ में एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। सुरभि हमें माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए, तभी तुम्हें ये अकल आएगी कि इंसान कोई कठपुतली या खिलौना नहीं जिससे खेला जाए। और एक बात सासू माँ, क्या कहा था आपने कि मैं खिलौना हूँ जिसे आप अपने इशारों पर नचाएंगी, तो अब कैसा लगा आपको इस खिलौने का खलनायक अवतार? आगे से किसी के साथ ऐसा करने से पहले दोनों को ये हथकड़ी जरूर याद आएगी, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। देखा आपने, भोली सुरभि ने ना सिर्फ अपने आप की बल्कि एक और लड़की की जिंदगी उसे खिलौना समझने की भूल को गलत साबित करके ये दर्शाती है कि खिलौने को खलनायक बनते देर नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, वो जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर उसके काले घने बाल थे, जिसे देखकर हर कोई उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता था, पर जैसे ही कोई उसके बालों में चल रही जू देखता उसके पास से भाग जाता था। उसके परिवार में उसके पिता मोहन और माँ लक्ष्मी रहा करते थे। रेशमा अक्सर ही मार्केट से तरह तरह के जुए खत्म करने के ऑयल और शैम्पू लाया करती थी, पर जुए उसके सर से जाने का नाम भी नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन रेशमा फेसबुक के जरिए साहिल नाम के लड़के के संपर्क में आती है। वो दोनों रात दिन चैटिंग किया करते। ऐसे ही एक दिन वो दोनों पार्क में मिलने आते हैं। हाय कैसी हो रेशमा? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार पता नहीं, मैं तुमसे जितना भी बात करूँ उतना ही कम लगता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? यार पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हर जगह तुम ही तुम दिखती हो। यार मैं कुछ बोल रहा हूँ,
और तुम सर में खुजली करती जा रही हो, तुम सीरियस नहीं हो क्या? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तुम बोलते जाओ। तुम्हें देख देख कर ना मेरे भी सर में खुजली होने लगी यार। वही तो मैं कह रही थी, शायद ये जगह ही अच्छी नहीं है, देखो ना तुम्हें भी खुजली होने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन जब रेशमा साहिल से मिलने जाती है तब साहिल उसको घुटनों के बल बैठकर फ्लावर्स लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साहिल अपनी माँ गंगा और बहन चारू के साथ रेशमा के घर शादी की बात करने के लिए आता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। साहिल बेटा क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो रेशमा को? अरे सब कुछ हमारे बिटुआ से ही पूछ लोगे, या तनिक अपने बिटिया को भी बुलाएंगे? तभी रेशमा चाय नाश्ता लिए आती है और अपने होने वाली सास के पैर छूती है। अरे बस बस, दिखने में तो बहुत सुंदर हो तुम बिटिया, और तुम्हारे बाल भी गजब है एकदम। दोनों घर वाले आपस में रसामंदी से दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रेशमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात वो सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी साहिल बार बार उसका सर खुजाता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे का बात हो गई समर बेटा, काहे खुजर खुजर कर रहे हो सर में? माँ पता नहीं कुछ दिनों कहीं तो सर में जुए तो ना हो गई? क्या माँ आप भी ना, अरे आज से पहले तो कभी हुई नहीं, तो अब कैसे होगी? हमें का पता, जिसके साथ तू सर से सर भिड़ा कर सोवे थे ना, उसी के जुए तुम्हारे सर में तांडव कर रही होगी। माँ जी आप कहना क्या चाहती है कि मेरे सर में जुए हैं? अरे आप भी क्या सर में होंगी? ढाबे के चलते आप नहाती नहीं है और आपके सर की गंदगी से ना जुओ को प्यार हो गया होगा, तो प्लीज हाँ आप मुझ पर ये घटिया सा इल्जाम मत लगाइए। भाभी मम्मी की बातों से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मान लो ना कि भैया के सिर में तुमसे ही जुए आए हैं। जरूर तुम दोनों माँ बेटी के सिर में ही ना ये जुओ का ग्रुप होगा, और अब मेरे पति के सिर में भी। बस भाभी ये नौटंकी कहीं और जाके करना, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। ओ हेलो, खुद का मुँह देखा, कोई तुम्हारी शक्ल देख कर ही बता देगा कि जुओ का आटा ना तुम्हारे सिर में है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जुओ की वजह से अब पूरा घर परेशान होने लगता है, हर कोई बार बार अपने सर में खुजली करने लगता है, लेकिन रेशमा हमेशा ही कभी अपनी सास तो कभी अपनी ननद पर जुओ का इल्जाम लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन रेशमा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है, और यहाँ ससुराल में रेशमा के ना होने पर धीरे धीरे सबके सिरों में से जुए खत्म होने लग जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से सबके सरों में जुए हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रेशमा जब किचन में खाना बना रही होती है तब उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी कहीं सर खुजलाते खुजलाते सब्जी में भी जुए ना डाल देना। हाँ देखना आज जुओ की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी, और सबसे पहले ना आप खिलाऊंगी। सही कह रही हो, तमीज तो तुम बेच आई चोर बाजार में, और दहेज में खाली जुए ही लाई हो अपन संग। अरे बस कीजिए ना माँ जी, कोई लिमिट होती है किसी को परेशान करने की, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप बस पक 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 बोलती ही रहती है। अब तू ही तो बताएगी हमको सब कुछ, जुआ वाली बहू। ऐसे ही आए दिन जुओ के चलते घर में लड़ाई होने लगती है, और एक रात जब दोनों मियां बीवी सो रहे होते हैं तभी अचानक साहिल उठता है और अपना सर खुजाने लगता है और गुस्से से अपनी बीवी को जगा देता है। रेशमा उठो जल्दी। क्या बात है साहिल, क्या हो गया, क्यों उठा दिया मुझे? हाँ मेरी नींद उड़ा के खुद चैन से सोना चाहती हो? यार मैं परेशान हो चुका हूँ जुओ से। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना अपने सर के जुओ को काय के जाकर मेरे पति के सिर पर हल्ला बोल दो उसका सर खुजाओ। अरे मुझे नहीं पता यार, तुम मेरे से दूर रहो, कल से अलग सोना, और मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है तुमको। काय क्यों, मैं आप ही दूर हो जाऊं। दोनों में दूरियां आ जाती है। हर रात दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में दूर दूर सोया करते थे। साहिल की इस बेरुखी से रेशमा बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। उसने बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए और बहुत से केमिकल वाले भी, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं हुआ। उसकी सास और ननद भी रेशमा को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती।
सकती हूँ। वक्त बीतता जाता है और रेशमा धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है, जिसके चलते वो एक दिन अपने सर के सारे बाल ट्रिम कर लेती है और गंजी हो जाती है। ये सब देखकर उसके पति और सास बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहू तू पागल हो गई है क्या? ये सब क्या कर लिया तूने? तुम्हें तो बोलते थे कि या तो ये जुए दूर करो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने सब कुछ करके देख लिया पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब ना रहेगा बस और ना बचेगी बांसुरी। आपने कभी सोचा कभी कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब हर कोई मुझे ही सुनाता रहता था? अरे मुझे क्या कोई शौक चढ़ा था जुओं को अपने सर में पालने का? सब इन जुओं की वजह से मुझसे दूर हो गए थे, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब तो खुश है ना आप लोग? माफ करना बहू, हम तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाए कि इन जुओं की वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत होगी। हम तो केवल अपनी ही परेशानी में खोए रहे। इस तरह रेशमा सभी को माफ कर देती है। वक्त बीतता जाता है और रेशमा के सर पर एक बार फिर से काले घने और लंबे बाल आ जाते हैं और इस बार उसके सिर में जुओं का नामो निशान नहीं होता और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।